नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना और कक्षा एक के सभी छात्र इस वक्त हमें देख सकते हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर एक पर। आप चाहें तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप कुछ भी पूछना चाहें उर्दू के बारे में, उर्दू कैसे सीखनी चाहिए, किस तरह से आप अक्षरों को सीख सकते हैं, हुरूफ सीख सकते हैं, और अगर कोई परेशानी आ रही है लिखने में बोलने में, तो आप हमारे पास आइए और हमारे YouTube चैनल के जरिए हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। NCERT ऑफिशियल है हमारा चैनल, उसके लाइव चैट बॉक्स में लिखिए आप अपने सवाल और हम तक पहुंचा दीजिए। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो आपके सभी सवालों के ज़रूर जवाब देंगे, और आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपके माता पिता अगर आपके साथ हों या कोई बड़ा भाई बड़ी बहन, तो वो आपकी ईमेल लिखने में आपकी मदद भी कर सकता है, और आप हमें पहुंचाइए ciet.kishoremanch@gmail.com पर अपने सवाल। आज का जो हमारा विषय है वो है एन गैन फे काफ काफ गाफ। तो ये हैं वो अक्षर जो हम सीखने वाले हैं इस क्लास में, इस सेशन में, इस कार्यक्रम में। आइए मिलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फारूक अंसारी। स्वागत है आपका सर। जी शुक्रिया। सर हैं भाषा शिक्षा विभाग एनसीईआरटी से, और ये जो हुरूफ हैं इनमें क्या दिक्कत आ सकती है बच्चों को पढ़ने में, आपको मुझे ये आज हमें सर बताएंगे। सर जी, ये असल में पिछली मर्तबा हम बहुत सारे हुरूफ के बारे में बात कर चुके हैं जी, कि हुरूफ जो होते हैं वो आवाज़ों की तहरीरी शक्ल होती है। हर ज़बान में ये चीज़ होती है, उर्दू में भी ये वही सूरत हाल है जो दूसरी जगह पर है। तो हम पिछले दिनों बात कर चुके हैं अलिफ के बारे में, अलिफ मद के बारे में, बे पे ते टे से के बारे में, जीम चे हे खे, ये आपके स्क्रीन पर भी नज़र आएगा, दाल डाल जाल, रे रे जे जे, सीन शीन, स्वाद ज़ुआद, तोए जोए के बारे में। इतने हरूफ जो है हम पिछली मुलाकातों में हम इन पर बात कर चुके हैं। अब आज जो हम बात करेंगे वो छह और हुरूफ हैं उर्दू के, हुरूफ तहजी के, उस पर बात करेंगे। ऐन गैन फे काफ काफ गाफ, ये जो हैं आप देखिए कि ऐन और गैन दोनों की शक्ल एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी ही है, सिर्फ नुक्ते का फर्क है। आयन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, गैन के ऊपर एक नुक्ता होता है। तो ये इनके नाम हैं, आयन नाम है हर्फ का और उसकी आवाज अदा होती है आ। खालिस जिन्होंने अरबी जबान पढ़ी है या अरबी से थोड़ा बहुत रब्त रहा है, वो इस आवाज को बखूबी अदा कर सकते हैं। मैं शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि ये आवाज़ अगर सौती एतबार से देखा जाए या लिसानियात के एतबार से, तो ज़्यादा फ़र्क इनमें नहीं है, क्योंकि हमारे लिए इस आवाज़ के लिए एक और हर्फ हमारे पास मौजूद है, अलिफ। अलिफ जो है वो अ की आवाज़ अदा करता है, लेकिन अ जब हम इसको हलक से अदा करते हैं तो अ की आवाज़ आती है ना। तो हमारे लिए थोड़ी सी, हम क्योंकि जो ज्योग्राफी हमारी सिचुएशंस हैं, जिन हालात में अलग जो है हमारे ये पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं वो सेट हैं, तो उसमें थोड़ी सी दुश्वारी होती है, तो अ अ अ की आवाज़ आती है। तो जब भी हम इसकी आवाज़ को अदा करते हैं तो थोड़ा सा हमें फ़र्क करना होता है। गैन की आवाज़, गैन जो है वो हर्फ का नाम है और उसकी आवाज़ है ग, ग की आवाज़ को जब भी हम अदा करेंगे, तो ये एक है। इसके बाद है फे है, काफ है दो, और फिर एक काफ है और एक गाफ है, ये हरूफ है। ऐन की जहाँ तक लिखने की बात है, वो आप देखिए कि ऐन को लिखते वक्त हम पहले ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं, फिर ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, और फिर ऊपर से नीचे को लाकर उसको जो है दायरा नुमा दामन नुमा शक्ल उसकी बनाते हैं। तो ये इसकी शक्ल होती है जब भी ये ऐन को लिखा जाता है।
उसी तरह से गायन की भी सूरत होती है, गायन को भी जो है वो हम इसी तरह से लिखते हैं, लेकिन उसमें एक नुक्ता होता है। तो जो फर्क है वो ये, एक बगैर नुक्ते की है और एक नुक्ते की। अगर नुक्ता नहीं है तो वो आ की आवाज अदा करेगा, और जहां पर नुक्ता है वो ग की आवाज को अदायगी उसकी होगी। तो ये इसकी और लिखने की शक्ल जो है दोनों की एक जैसी ही होती है। एन के लिए जैसा कि पहले भी बात की और आप जानते हैं इसको, कि इसमें तीन सूरतें होती है। हर्फ जो है शुरू में आता है या दरमियान में आता है या आखिर में आता है। तो इसकी तीनों सतहों पर अगर शुरू में आता है तो उसकी शक्ल अलग होती है, और जब दरमियान में आएगा तो उसकी शक्ल अलग होगी, और जब आखिर में आएगा तो उसकी शक्ल इस तरह से होगी। तो ये शुरू वाली जो शक्ल है वो आप उस पर देखिए, आयन का सिर्फ ऊपर का जो हिस्सा है वो हम इस्तेमाल करते हैं, और वो उस पूरे हिस्से में ऐसे उतना ही हिस्सा लेते हैं। जैसे आयन को अलिफ के साथ जोड़ा आ की आवाज़ अदा हो रही है, और फिर उसके साथ जो है दाल और ते को जोड़ देते हैं, तो ये शुरुआत की। लेकिन अगर दरमियान में आती है, आप देखिए इसको, ये है एन, ये है अलिफ, ये है ते, ये तीन चीज हर्फ हैं हमारे, और इन तीनों हर्फ को हरूफ को जब हम जोड़ते हैं तो एन को सिर्फ इतना हिस्सा हमने उसमें से लेते हैं और फिर उसको अलिफ के साथ जोड़ देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं अलिफ के बाद जो हर्फ आएगा वो उससे जुड़ेगा नहीं, तो अलिफ को पूरा लिखना ही पड़ेगा, और फिर उसके बाद हर्फ आया है दाल, तो दाल के साथ भी मामला ये है कि उसके आखिर में जो भी हर्फ आएगा या उसके आगे जो हर्फ आएगा वो जोड़ा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इसको छोड़ दिया, और फिर हमने चूंकि ते आखिर में आ रहे हैं तो वो पूरी लिखी जाएगी। इस तरह से ये हर्फ यहाँ पर लिखा गया। अगर एक और लफ्ज आपको हम दें, अलिफ है आयन है अलिफ है बे है दाल है, ये हर्फ आप अगर इसको जोड़ें तो एन को इसी तरह से आ लिखेंगे, पर बे जब हम लिखेंगे तो बे की सिर्फ इतनी सी शक्ल इस्तेमाल की जाएगी, और फिर इसमें दाल को जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो गया आबित। तो इस तरह से हम इसको जोड़ते हैं, आदत आबित, यानी एन का सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है शुरू में। लेकिन अगर दरमियान में यही हर्फ आएगा तो आप उसकी शक्ल थोड़ी सी बदलिए, क्योंकि ये शक्ल देखिए आप देख रहे हैं ना, इसको ये शक्ल है, लेकिन जब हम जोड़ेंगे तो इसकी ये शक्ल इस्तेमाल होगी, ये बंद हो जाएगा और ये एक शक्ल इसकी होगी। सर इसको आप थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे जी, ये आपको यूं अब नजर आ रहा होगा, और यहाँ स्क्रीन पर भी ये मौजूद है, आप देखिए स्क्रीन में जो है कि उसमें एन को इस तरह से इस्तेमाल। अब अगर इसको हम जोड़ने की बात करते हैं तो एक लफ्ज हमारे पास है नून, हर्फ है जिसमें नून है एन दरमियान में आ रहा है मीम है ते है, ये चार हर्फ हमारे इसमें हैं। अब इनको जोड़ेंगे तो न के लिए हमने सिर्फ एक नुक्ता ले लिया, इतना सोशा ले लिया, इसमें एन को इस तरह से जोड़ा, यानी ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर इस तरह से जुड़ेगा, और फिर मीम जो है इतना हिस्सा आ गया, और उसके साथ आखिर में ये आएगा, तो ये नेमत लिखा गया। तो ये जितने भी इस तरह के जो हैं ये शुरू में आएगी शक्ल तो ये होगी, और आखिर में आएगी तो शक्ल ये होगी। लेकिन आखिर में जब बिल्कुल आखिर, ये शुरू में, ये दरमियान में, और आखिर में जब आएगी तो उसकी शक्ल या तो ये होगी या फिर ये पूरी लिखी जाएगी। दोनों सूरतें हैं जो हम आखिर में लिखते हैं। आखिर में लिखने के लिए आपके पास अगर कोई हर्फ है तो बताएं, जैसे एक हर्फ है दफा, ठीक है, फे एन, इसमें एन बाद में आ रही है आखिर में, है ना, दाल फे और ये इस तरह से, यानी एन की ये शक्ल यहाँ पर ली गई है। अब देखिए यहाँ पर कुछ हरूफ दिए हुए हैं एन से बनने वाले, आदत आबिद अरब औरत, इन चारों हरूफ में जो है
एन जो है वो शुरू में आ रही है, तो शुरू में आ रही है तो उसकी ये शक्ल होगी शीन, लेकिन जब दरमियान में आएगी तो एन की शक्ल आप देख लीजिए, शायर, दावत, दुआ, इस तरह से। और आखिर में अगर आ रही है तो जैसे शमा, नफा, दफा, ये इस तरह की जो हैं वो हुरूफ होते हैं। इसी तरह से यही सूरत हमारे पास गैन की है। गैन को भी जब हम लिखते हैं तो नुक्ता सिर्फ जो है उसमें नुक्ते का इजाफा कर दिया जाता है तो वो ग की आवाज़ अदा करे। गार, बगैर, तेग, दाग, ये इस तरह के जितने अल्फाज हैं उसमें गैन की आवाज़ शामिल है। तो ये हुआ मामला ऐन और गैन का। अब अगर हम कहें कि इससे कुछ जुमले बनाकर इसकी बात की जाए तो बहुत आसान जुमले हो सकते हैं। सबको अच्छा लगता है दावत में जाना, तो हम लिखते हैं एक लफ्ज़ दावत जी, ठीक है, इसके आगे हमने जोड़ दिया आज। आज दावत है, है, ये लीजिए, ये है आज, ये है दावत, ये है, है। तो इसमें आप देखिए एन का इस्तेमाल किस तरह से किया गया। ये जो हर्फ है एन का सिर्फ इतना हिस्सा इसमें शामिल है, अलिफ मद जीम दाल एन वाव ते, और ये हे है और ये है, ये हो गया। तो जो खास जोर है वो हमारा इस लफ्ज पर है एन के ऊपर। इसी तरह से हम कहते हैं एक गैन के लिए गजल, है ना, गजल, 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 गौर से सुनो, ठीक है ना। ये एक लफ्ज है गजल, यानी गैन, जे और ला, गजल। गौर के लिए गैन, वाव, रे, से, सीन, ये, सुनो, सीन, नून, वाव, ये इसके इतने हुरूफ इसमें शामिल हैं इन अल्फाज में। तो गौर से बात सुनो, गजल गौर से सुनो, चराग रोशन है वगैरह, ये जुमले हैं जो आपकी किताब में जो मश्क के तौर पर भी दिए हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनकी मश्क करके इस आवाज़ को बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है और ये समझा जा सकता है कि जब कहीं भी हमें ये शक्ल दिखाई देगी तो ये, अगर इसके ऊपर नुक्ता है तो ये ग की आवाज़। तो ऐन और गैन, ये दो हरूफ इसमें हैं जिनके लिए हम कहते हैं कि इनको हमें बड़े गौर से सुनना चाहिए जी। इसके बाद और आगे पढ़ते हैं तो हम एक और हर्फ लेते हैं जो है फे। फे और काफ, दो चीजें। फे, फे जो है आप देख रहे हैं इसका सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल, फे जो है वो ये, यानी आपने यूं लिखा, ठीक है, और फिर इसको खींच के यूं कर दिया, यानी हमने जब बे, पे, ते, टे और से शुरू में पढ़ा था, ये हरूफ हैं, ये इसी तरह से पड़ी लकीर वाले जो हरूफ होते हैं उसमें शामिल होते हैं। तो ये फे है, तो फे इसका नाम है, आवाज़ है इसकी फ, अदा करते हैं फ की आवाज़ के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये फे और ये इसकी आवाज़ होगी। अब इसके भी दरमियान और शुरू में जो लिखने वाली सूरतें हैं वो यहाँ पर आप देखिए, शुरू में अगर फे आएगी तो इसकी सिर्फ इतना हिस्सा, यानी ये फे है इसका सिर्फ इतना हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है फ के लिए, यानी फा, है ना, फना हमें लिखना है, फे नून अलिफ, फे नून अलिफ, फना, ये फा है, ये ना है और ये अ है। और अगर हमें फिजा लिखना हो तो, फिजा अगर हमें लिखनी लिखना है तो ये हुआ फे
ज़ुआद अलिफ, यानी ये फे है, ये ज़ुआद है, ये अलिफ है। फे का इतना हिस्सा, ज़ुआद का इतना हिस्सा और अलिफ तो पूरा है ही। और फकीर, फकीर लिखना है आपको, अगर फकीर लिखना है तो फकीर लिखने के लिए हम पहले फे का इतना हिस्सा लिखा, फिर काफ, इसका अभी जिक्र करेंगे, या फिर ये के लिए एक सोशा और दो नुक्ते और ये रे लिख दी। ये फकीर, यानी फे काफ, ये सॉरी ये है छोटे, ये और रे, इतने सारी हरूफ, चार हरूफ जो है वो इसमें शामिल है जी। इस तरह से आप जोड़ेंगे। तो सर जैसे अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट्स होते हैं जी, उर्दू में कितने होते हैं? जहाँ तक तादाद की बात है तो आप जोड़कर देख सकते हैं कि अरबी के 28 हरूफ हैं जी, ठीक है, और फारसी के 4 हैं और अब वजा किए हुए ये, तो ये कुल मिला के 37 होते हैं। बाज इसमें हमजा भी जोड़ते हैं तो ये 38 होते हैं, और भी इसी तरह से हो सकते थे, यानी एक तय नहीं है कि हरूफ ताजी में इतने हर्फ होंगे, तो 37, 38, 36 ये तादाद इनकी है जो इसमें हरूफ जो वाहिद है, मतलब हरूफ वो हर्फ वो होता है जो एक किसी एक आवाज़ की अदायगी करे या उसको जाहिर करे, उसकी तहरीरी शक्ल है, तो वो हर्फ है। लेकिन अगर कुछ आवाज़ें उर्दू में हैं जिनको हम मखलूत आवाज़ें कहते हैं, आवाज़ों से मिलकर, जैसे आपके पास ख है ना, भा है, ये जो आवाज़ें हैं तो इसमें ब भी है और अ भी है, दोनों को मिलाकर एक आवाज़ अदा हो रही है, ये हमारी मखलूत आवाज़ें कहलाती हैं, तो ऐसी आवाज़ें भी इसमें शामिल हैं, और जिनको हम जो आवाज़ जिसकी होगी, जैसे ब भ है तो ब के साथ सिर्फ दो चश्मी हे को जोड़ देते हैं, हर एक के साथ। अगर ख लिखना है तो ये क हुआ और ये, क्योंकि ये आवाज इसके नजदीक है, क ख ब भ तो थ, तो ये जो आवाजें हैं तो ये उर्दू में मखलूत आवाजें कहलाती हैं। तो कक्षा एक के बच्चों को 38 कुल ये हरूफ सीखने होते हैं, ये हैं, इसके साथ ही मखलूत आवाज़ों के भी जो और भी हैं वो भी सीखने जी, ओके। है ना, तो वो उसमें बाज़ लोग 14 कहते हैं, बाज़ लोग 16, बाज़ लोग 12, इस तरह की है, तो खैर ये जो है लिसानियात के जो माहिरीन हैं उनका सरदर्द है कि वो इस पर बहस करते हैं और फिर इसको इसके तादाद के ऊपर बात करते हैं, हम यहाँ इसको नहीं करेंगे जी। लेकिन ये मखलूत आवाज़ें और ये वाहिद जो आवाज़ें हैं वो मिलाकर इस तरह से पूरी हरूफ तहजी बनती है जी। तो सर हमने अभी तक फे पर बातचीत की थी, आगे बढ़ते हैं और कैफ और कैफ, काफ और काफ जी। कैफ माने होता है दर्द, गम, ठीक है, तो हम बात करते हैं काफ की। काफ जो है वो एक उसकी शक्ल यहाँ आप देख सकते हैं, यूं लिखा जाता है, यानी दामन नुमा इसकी शक्ल है जी, ये शक्ल जो होती है वो दामन नुमा होगी जी, तो इस तरह से, और इसके ऊपर सिर्फ ये गोल सा जो है ये बना होता है। अगर इसी की ये जो गोल वाला इतना हिस्सा है, अगर इसको बे की शक्ल यानी पड़ी लकीर में लिखेंगे तो ये फ की आवाज़ अदा करेगा, और यहाँ पर अगर करेंगे तो ये क की आवाज़ अदा होगी, और हम इसको कहते हैं काफ, ठीक है। इसी तरह से चूंकि ये हलक पर जोर देकर इसको अदा किया जाता है काफ को, लेकिन अगर सिर्फ काफ कहेंगे तो काफ के लिए हम इसकी सिर्फ ये, तो इसको हम कहते हैं मरकज जी, है ना, मरकज लगा हुआ है, तो एक मरकज, दो मरकज, ये जो है ये निशान होते हैं, और ये सिर्फ इसी से पहचाने जाते हैं क, और अगर ये एक है तो क की आवाज़ अदा कर रहा है, और अगर ये दो लगे हैं तो ये ग की आवाज़ अदा करे, क और ग, यानी काफ और गा, ये दो
हुरूफ हैं। से इसके तो, कुछ शब्द बना देंगे। काफ से पहले बात करते हैं तो काफ को भी जो है शुरू में हर हर्फ के साथ ये है कि वो शुरू में आएगा, दरमियान में आएगा या आखिर में आएगा, तो उसकी शक्लें मखसूस हैं कि शुरू में आएगा तो उसकी शक्ल क्या होगी, आखिर में आएगा तो उसकी क्या शक्ल होगी, दरमियान में उसकी शक्ल। तो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम ये पहचाने कि इसकी शक्ल किस तरह लिखी जाएगी, तभी हम सही लिख सकते हैं और सही लिखे हुए को हम सही पढ़ सकते हैं। काफ की अगर बात करते हैं तो ये आपका काफ है, यानी ये दो नुक्ते। तो अब अगर हमें लिखना है कानून तो ये है क नू नून कानून, यानी ये काफ है, ये अलिफ है, ये नून है, ये वाव है, ये नून है, तो कानून इस तरह से हम इसको, या इसी तरह का और कोई लफ्ज आप ले सकते हैं, काद तकरीर है, तकरीर में का दरमियान में आता है, तो ये इस तरह से, यानी अगर ये दरमियान में आएगा तो इसकी शक्ल ये हो जाएगी, यानी ये इतना हिस्सा तो रहेगा शुरू में, ये इतना हिस्सा इसका पीछे से जोड़ने के लिए ये बन जाएगा, तो ये तकरीर की शक्ल होगी। या इसी तरह का और कोई लफ्ज हम नुकसान लिखते हैं, नुक सान, यानी ये न है, ये स्वाद है स और अलिफ नून, नुकसान तकरीर ते क रे ये रे तकरीर, तो ये इस तरह से इनको जो है हम लिखा जा लिखते हैं। और आखिर में अगर आएगा तो जाहिर है आखिर में पूरा हर्फ लिखा ही जाएगा, अलग से आएगा कहीं तो इस तरह से लिखेंगे, और अगर किसी के साथ मिल के आ रहा है तो थोड़ा सा पीछे एक सोशा इसको जोड़ने के लिए होगा। तो ये है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसकी जो तीनों सूरतें हैं वो दी हुई हैं, शुरू में हैं, जैसे कानून में आ रहा है वो हर्फ तो उसकी सिर्फ उतनी ही शक्ल ले, और अगर दरमियान में आ रहा है तकरीर जैसे है तो उसमें उतना हिस्सा काफ का नज़र आ रहा है, और सबक है तो उसमें भी आखिर में चूँकि काफ आ रहा है और जोड़ कर आ रहा है तो इसलिए काफ की ये पूरी जो शक्ल है उसके साथ सोशा एक थोड़ा सा निकला हुआ है। सर, तो ये सबक मेरे जहन में एक शब्द आ रहा है काफिर, तो क्या काफिर में ये वाला क आता है या दूसरा वाला क? काफिर में ये है क, काफिर कुफ्र से बना है। ओके, ठीक है ना जी। तो ये काफिर में, यानी के अ फे रे, काफ को जोड़ेंगे तो ये शक्ल आएगी फे और रे को। बस जो सबसे अहम बात है वो ये कि उर्दू के जो नौ ऐसे हुरूफ हैं वो जब भी कहीं आएंगे दरमियान में हर्फ आएगा वो जोड़ा नहीं जा सकता, उनको खास तौर से ध्यान रखना है। और वो हरूफ हैं आपके अलिफ है, दाल है, जाल है, रे रे जे जे और वा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हरूफ ऐसे हैं, इनके बाद कोई भी हर्फ आएगा वो इसके साथ जुड़ेगा, पीछे इसके आएगा वो जुड़ जाएगा, पीछे से तो जुड़ेगा लेकिन ये आगे से नहीं जुड़ सकता, ये हमेशा ध्यान रखना। तो जहां भी इस तरह की ये चीज आएगी, यहां ये देखिए अलिफ आ गया दरमियान में, हमें इसको यहां पर छोड़ना पड़ा जी, या इसी तरह के और जो चीजें हैं। तो ये काफ की बात है, इसके बाद और आगे अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे काफ की बात की गई है, काफ जो है उसको लिखने का जो है वो तरीका आप देखिए कि पहले हम इसको यूं लिखते हैं, फिर उसके बाद ऊपर एक मरकज लगाते हैं, यानी ऊपर से लेकर इसको मिला देते हैं जिसको हम कहते हैं, और इतना हिस्सा इसका इस्तेमाल किया जाए। तो शुरू में जो लिखा जाएगा वो इसका सिर्फ इतना ही हिस्सा लिया जाता है, और अगर अलिफ के साथ लिखा, अलिफ के साथ अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये शक्ल हो जाएगी जो कि सही नहीं है, क्योंकि दरमियान में ये
जगह बाकी है, तो हम इसको जब भी जोड़ते हैं तो इसकी शक्ल को गोल कर देते हैं, गोल करके यूं लिखते हैं, यानी ये जब भी जुड़ेगा वो ये शक्ल इसकी होगी, क अलिफ के साथ, सिर्फ अलिफ के साथ जी, है ना, और लाम के साथ, लाम के साथ भी यही मामला है, अगर लाम को जोड़ेंगे तो लाम अलिफ की ही तरह से वो खींच के लिखा जाएगा, तो इसके का अलिफ और लाम के साथ जब भी लिखेंगे तो ये वाली शक्ल इस्तेमाल होगी, बाकी सब के लिए हम यही शक्ल इतनी जो है काफ की वो इस्तेमाल करते हैं जी सर, हम काफ के लिए भी हम इसी तरह से हम एक मरकज इस पर और लगा देते हैं जी सर। हमारे पास 4 मिनट हैं तो जी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो ये जो है वो हरूफ है जिनको सीखना है हमें कि इसके इसके नाम क्या है, नंबर एक, नंबर दो इसकी शक्ल क्या है और इसकी आवाज़ क्या है, ये तीन चीज़ें हैं जो हमें हरूफ को मतलब सीखते वक्त हमें जिन पर गौर करना होता है। तो यहाँ पर ये जो 6 हरूफ हैं ऐन गैन फे काफ गा, अब जो मुश्किल आती है वो ये कि अगर हम सिर्फ टेक्निकल तरीके से ही बताएं तो वो भी बात नहीं होती, तो लिहाजा हमें आवाज़ों को सिखाने के लिए हमें इस तरह की इबारत लेनी होती है या जुमले या कहानी या नज़में ऐसी लेनी होती है जिसमें जो आवाज़ हम बताना चाहते हैं या जो आवाज़ सिखाना चाहते हैं उस आवाज़ का मुतवातिर या बराबर जो है इस्तेमाल हुआ हो, यानी रिपीटेशन उन आवाज़ का, और फिर हम कहते हैं कि देखिए इस आवाज़ से ये हर्फ है बनता है, उसकी शक्ल ये होती है और इस शक्ल को आप पहचानिए, एक तो ये होता है। और इसी तरह की बहुत सारी एक्सरसाइजेज बनाई जा सकते हैं, चूँकि वक्त बहुत कम है, आपकी जो निसाबी किताब है, जो दर्सी किताब है, उसमें एक्सरसाइजेस दी हुई है, उसमें मशकें मौजूद हैं, हम जुमलों की शक्ल में, हर्फ की शक्ल में, उस हर्फ को उलट फेर करके भी आगे पीछे जो है लिख करके भी बताया गया, तो वो भी देखा जा सकता है। साथ ही आप NCERT ने भी बहुत सारे मटेरियल इस पर भी तैयार किए हैं हरूफ तहजी सिखाने को लेकर के, उसका भी मुताला आप कर सकते हैं, मैनुअल्स मौजूद हैं, इवन जो ऑनलाइन कोर्स है उर्दू स्क्रिप्ट लर्निंग जो चल रहा है NCERT ने तैयार किया है, और उसको उसके ज़रिए भी आप हरूफ तहजी को और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, 12 मॉड्यूल्स पर वो पूरा कोर्स मुश्तमिल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो अलग अलग जितने भी हरूफ हैं उनको सिखाने की उसमें बात की गई है कि किस तरह से हम उसको सीख सकते हैं, कैसे हम उसको लिख सकते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसमें शामिल हैं। तो अगर सर किसी भी बच्चे को उस कोर्स में एनरोल करना हो तो उसका प्रोसेस बता देंगे? बिल्कुल, आप स्वयं www.swayam.gov.in वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर आप जो है एनरोल कर सकते हैं और इस कोर्स में अपने आप उसमें जुड़ जाएंगे। तो आपको उसमें अपने को एनरोल करना होगा, एनरोल करने के साथ जो है वो इसमें कोर्स में आप शामिल, और उसको शुरू देख सकते हैं, क्योंकि 12 मॉड्यूल कोई ज़्यादा वक्त नहीं है, 2 महीने का 2.5 महीने का वक्त उस पर तय होता है, क्योंकि हर बार साइकिल में हम तय करते हैं कि इसमें कितना वक्त लगेगा। साथ ही जो है उसमें हर हफ्ते जो है पाबंदी के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन भी है जिसमें हम आपसे बराह रास्त गुफ्तगू करते हैं 1 घंटे के, इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप क्या चीज़ सीखना चाहते हैं और हम क्या चीज़, और हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ के सब लोग हैं वो सब लोग भी बराबर रहते हैं, तो उसको और बेहतर तरीके से, और काफ़ी लोग उसमें जो है उसमें हिस्सा ले रहे हैं और सीख रहे हैं। और ये तो सर कोई उम्र का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट लर्निंग का जो मामला है वो एक अलग है, वो ये है कि आप किसी भी सतह पर उसको सीख सकते हैं, अगर आप तालिबे इल्म हैं आप उसमें उससे फैज़ हासिल कर सकते हैं, अगर आप काम कर रहे हैं तो भी, अगर आप उर्दू पढ़ना चाह रहे हैं, उर्दू सीखना चाह रहे हैं, तो उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि आपको स्क्रिप्ट जो है वो आ जाए ताकि आप उसको पढ़ सके, और उसकी जो साथ में दूसरी चीज़ें हैं जो अदब के जो छोटी छोटी चीज नमूने हैं, जैसे चाहे गज़ल है या और दूसरे कहानियाँ वगैरह, उसको भी आप खुद पढ़ सके, तो ये उसका मकसद है। ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को और बच्चों को सिखाया कि ये जो हरूफ हैं उन्हें किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से लिखा जाता है। एक बार फिर से आपका शुक्रिया। जी शुक्रिया। शुक्रिया सभी दर्शकों का, आपने ये कार्यक्रम देखा। आप जैसा कि सर ने कहा, अगर आप इस उर्दू के कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाइए और ख़ुद को एनरोल कीजिए, उर्दू भाषा सीखिए। बहुत ही दिलचस्प है और मज़ा भी आएगा आप सभी को। और बता दूं कि थोड़ी देर में हम वापस आने वाले हैं इंग्लिश का एक कार्यक्रम लेकर, जिसका टॉपिक होगा, हम एक पोइम पर बातचीत करेंगे और पोइम का टाइटल है वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड। और इसी को देखने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में हम फिर से वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।